हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज का लेसन है पार्ट टू ऑफ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइवल फ्रेजेस इन इंग्लिश। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप हाउ आर यू और आई एम फाइन पांच अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं बिना उस लैंग्वेज को पढ़े या लिखे या उसकी ग्रामर सीखे बिना। हमने तेलुगु लैंग्वेज लिया था, कुछ सर्वाइवल फ्रेजेस सीखे थे बिना अगेन लैंग्वेज को पढ़े या लिखे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें आपको बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों वीडियोस की, पार्ट वन की और इस वीडियो की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए। पार्ट वन में हमने कुछ 25 सर्वाइवल फ्रेजेस सीखे थे और इस लेसन में हम सीखेंगे 25 और सर्वाइवल फ्रेजेस जो आप आपकी एवरीडे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रेज नंबर 25, आई एम फ्रीक्ड आउट। आई फ्रीक्ड आउट, इसका क्या मतलब होता है? मैं परेशान हो गया। कभी कभी होता है ना कि आप एक सडनली गुस्सा हो जाते हो या हम एकदम से डर जाते हैं, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, तब आप कह सकते हो आई फ्रीक्ड आउट। लिसनिंग टू दैट न्यूज आई जस्ट फ्रीक्ड आउट। आई फ्रीक्ड आउट, क्लियर। नेक्स्ट है गुड फॉर यू। गुड फॉर यू, इसका क्या मतलब होता है? ये तुम्हारे लिए सही हुआ या तुम्हारे लिए यही सही है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान गलती करता है, उसे उसकी पनिशमेंट मिलती है। हम कहते हैं ना तुम्हारे लिए ना ये सही हुआ, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। नेक्स्ट है इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब है यह दुनिया का अंत नहीं है, कोशिश करते रहो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, अपनी हिम्मत हार जाते हैं या कोई काम नहीं हुआ, हम सोचते ये जिंदगी में हमसे कभी होगा ही नहीं। तो आप ये एनकरेज करने के लिए यूज कर सकते हो, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कीप ट्राइंग या डोंट लूज होप, राइट? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कम ऑन यू कैन डू इट। कम ऑन यू कैन डू इट, जो पिछला सेंटेंस था उसके आगे आप ये जोड़ सकते हो, जिसका मतलब है तुम ये कर सकते हो, बस बने रहो, बस बने रहो। और यूज करते हैं अगेन टू एनकरेज समवन। तो आप कह सकते हो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कम ऑन यू कैन डू इट, क्लियर। नेक्स्ट है कीप अप द गुड वर्क, मतलब ऐसे ही अच्छा काम करते रहो। हम अगर हमें किसी को एनकरेज करना है या किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, राइट, आप कह सकते हो कीप अप द गुड वर्क। ये यूज करते हो आप तारीफ करने के लिए, टू प्रेस समवन, या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है ना, तभी भी आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो। मतलब ये कहने की जगह कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कह सकते हो कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंसेस में कैसे बोल रहा हूं। आप चाहो तो मेरे बाद उसके रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट है कैन यू कवर फॉर मी। अभी इसका क्या मतलब होता है? कैन यू कवर फॉर मी, कवर मतलब ढकना। इसका मतलब है क्या तुम मेरी जगह काम कर सकते हो। ऑफिस में कभी कभी होता है ना कि हमें किसी काम से निकलना पड़ता है, तो हम हमारे कॉलिग से कहते हैं, हमारे कॉलिग से हम कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कवर कर सकते हो, क्या तुम मेरा काम देख सकते हो। आस्किंग फॉर अ फेवर, आप एक फेवर मांग रहे हो किसी से, कैन यू कवर फॉर मी। नेक्स्ट है यू आर ड्राइविंग मी नट्स, ये मैं अक्सर यूज करता हूं, यू आर ड्राइविंग मी नट्स, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपको रिपीटेडली तंग कर रहा है, अनॉय कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, छेड़ रहा है बार बार किसी चीज को लेके, तो आप कह सकते हो यू जस्ट ड्राइविंग मी नट्स, राइट? गुस्से में आप कहते हो यू ड्राइविंग मी नट्स, मतलब मुझे तुम बहुत परेशान कर रहे हो, बस करो, यू ड्राइविंग मी नट्स। नेक्स्ट है यू स्क्रूड अप। यू स्क्रूड अप, ये एक्चुअली एक स्लैंग वर्ड है, यू स्क्रूड अप, और अगेन मैं बहुत यूज करता हूं इसे, यू स्क्रूड अप। इसका मतलब है तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने। और जनरली ये होती है गलती किसी नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब हमने ध्यान नहीं दिया उस वजह से गलती होती है, या किसी के अंदर वो स्किल्स समझे नहीं है और उसकी वजह से कोई काम बिगड़ गया, तो आप कह सकते हो यू स्क्रूड अप, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, यू स्क्रूड अप। नेक्स्ट है दिस इज नो ब्रेनर, दिस इज नो ब्रेनर।
नो ब्रेनर का मतलब क्या होता है? इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ब्रेन वर्ड आया है, दिमाग, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जनरली कोई डिसीजन जो बहुत आसान होता है लेना, राइट, उसमें ज्यादा ना सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, नॉट, यू डोंट नीड टू थिंक सो मच, तभी हम कह सकते हैं नो ब्रेनर। यार ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों इतना पढ़ रहे हो? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नो ब्रेनर, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट साइन कर दो तुम, दिस इज नो ब्रेनर। नेक्स्ट है यू सोल्ड मी, यू सोल्ड मी, क्या मतलब है? तुमने मुझे मना ही लिया। जब कहते हैं ना कि हम कभी कभी किसी को, जो इंसान यू नो जिसको मनाना बहुत मुश्किल है और आप मनाने में एकदम कामयाब हो गए, तो इंसान कह सकता है यू सोल्ड मी, मतलब तुमने मुझे मना ही लिया। यू कन्विंस्ड मी ऑन समथिंग, यू सोल्ड मी, मतलब कोई एक आइडिया समझ लीजिए कि आपने प्रेजेंट किया और वो आइडिया से वो कन्विंस हो गया, तो कह सकता है यू सोल्ड मी, मतलब तुमने मुझे कन्विंस कर लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पुट योर सेल्फ टूगेदर, पुट योर सेल्फ टूगेदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है जिसका मतलब है अपने आप को संभालो, शांत हो जाओ। क्या होता है कभी कभी कोई इंसान डीमोटिवेट हो जाता है, मतलब हिम्मत हार जाता है, या किसी चीज को खोने की वजह से या कोई काम नहीं होने की वजह से एकदम से टूट जाता है, एकदम डीमोटिवेट हो जाता है और एकदम अजीब से हरकतें करना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, पुट योर सेल्फ टूगेदर, अपने आप को संभालो, शांत हो जाओ, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुट योर सेल्फ टूगेदर। नेक्स्ट है कन्वे माई रिगार्ड्स टू, कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिस्टर, कन्वे माई रिगार्ड्स टू रमेश या राहुल, जिसका मतलब है मेरी शुभकामनाएं देना, मेरी शुभकामनाएं देना। और जनरली क्या होता है, या बेस्ट विशेस अगर आप किसी के लिए भेज रहे हो, समझ लीजिए कि आपका दोस्त आपको मिला और आप उनके उसके पेरेंट्स को भी जानते हो, तो आप कह सकते हो बाय कहने के बाद, हे कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, कन्वे माई रिगार्ड मतलब कन्वे, गिव माई बेस्ट विशेस टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है स्टेप अप योर गेम, स्टेप अप योर गेम, इसका क्या मतलब होता है? बेहतर काम करो, अपने काम की लेवल को बढ़ाओ, राइट, जैसे मैं कह सकता हूं स्टेप अप योर इंग्लिश लेवल, स्टेप अप योर लेवल ऑफ इंग्लिश, ये इसका मतलब होता है। और ये हम यही कह रहे हैं कि स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, जैसे मैं कह सकता हूं स्टेप अप योर इंग्लिश स्पीकिंग लेवल, जिसका मतलब बेटर बात करो इंग्लिश में, क्लियर, और ऐसी फ्रेजेस से ही आपकी इंग्लिश बेटर होने वाली है। नेक्स्ट है लेट मी लुक इन टू इट, लेट मी लुक इन टू इट, मुझे ध्यान से देखने दो, समझ लीजिए कोई आपको एक पेपर मिला या कोई चीज, कोई प्रॉब्लम मिली और कोई आया आपके पास प्रॉब्लम लेकर और उसने समझाया पूरा प्रॉब्लम, तो आप क्या कहोगे, लेट मी लुक इन टू इट, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ, लेट मी लुक इन टू इट, मुझे ध्यान से उस चीज में देखने दो, समझने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लेट मी गेट बैक टू यू, लेट मी गेट बैक टू यू, जिसका मतलब मैं पता करके तुम्हें बताता हूँ, राइट, अगला फ्रेज, और ये फ्रेज आप साथ में यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है टू कम बैक विथ मोर इन्फॉर्मेशन, लेट मी गेट बैक टू यू, आपने समझ लीजिए किसी बैंक में किसी चीज के लिए पूछा और उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कह सकता है आपको लेट मी गेट बैक टू यू। आप भी कह सकते हैं, जब आप, आपसे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन पूछी और आपको वो पता नहीं है, तो आप कह सकते हैं लेट मी गेट बैक टू यू, ठीक है, लेट मी गेट बैक टू यू। कीप मी इन लूप, कीप मी इन लूप, इसका क्या मतलब होता है? मुझे खबर देते रहना, समझ लो एक ग्रुप है जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट को लेकर या किसी बात को लेकर एक डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, तो मैं उस बातचीत का हिस्सा बने रहना चाहता हूं, ठीक है, मुझे अपडेट चाहिए, क्या हो रहा है मुझे जानकारी चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कीप मी इन लूप, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन देते रहना। और आजकल कीप मी इन लूप या अपडेटेड रहने के लिए हम जनरली व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं फ्रेंड्स में, राइट, वो किस लिए बनाते हैं, टू स्टे इन लूप, सो कीप मी इन लूप, इट मींस कीप मी अपडेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कीप मी पोस्टेड, कीप मी पोस्टेड, कीप मी इन लूप कहने का ही ये अलग तरीका है कीप मी
पोस्टेड, मतलब सेम है कीप मी अपडेटेड. आप कीप मी इन लूप कह सकते हो या कीप मी पोस्टेड, ये दोनों का मतलब सेम ही है. नेक्स्ट है आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, इसका मतलब है मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता या कुछ नहीं बता सकता. आई हैव नो आंसर और इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट. कोई इंसान आपके पास आया और कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे अगर ऑफिस में अगर पूछ रहा है क्या तुम्हें पता है कि इस बार हमें न्यू ईयर एंड की कितनी छुट्टियां मिलने वाली है. आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त नहीं है, ये इसका मतलब होता है. आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ. नेक्स्ट है आई कांट कमिट. आई कांट कमिट, कमिट कमिटमेंट से जुड़ा है, वादे से जुड़ा है, इसका मतलब है मैं कोई वादा नहीं कर सकता. और आप कहने का एक तरीका है कि मैं कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकता. आई कांट कमिट, तो आई डोंट वॉन्ट टू प्रॉमिस एनीथिंग कहने के बजाय कह सकते आई कांट कमिट. आई कांट कमिट, जैसे अगर आपका फ्रेंड, मतलब आपके फ्रेंड्स मिलकर एक पिकनिक जाने का प्लान बना रहे और आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, पर आप कोशिश कर रहे हो छुट्टी लेने की, तो आप दोस्तों क्या कह रहे हो, आई विल ट्राई टू कम बट आई कांट कमिट, मैं कमिट नहीं कर सकता. आई कांट कमिट. कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, पर क्या ड्रॉप करोगे, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, मतलब क्या मैं कल आ सकता हूं. ये बेसिकली कहने का मतलब है कि कैन आई विजिट यू टुमारो, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे ऑफिस में, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो. इसी ये जो फ्रेजेस है ना, एक स्मार्ट तरीका है कहने का. अगर आप एक नॉर्मल जो इंसान इंग्लिश अच्छे बात करता है वो जनरली इन फ्रेजेस का यूज करता है, और इन्हें याद करना कोई इतना मुश्किल नहीं है. लाइक कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, जिसका मतलब है कैन आई विजिट यू टुमारो. हे राहुल, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो, कैन आई ड्रॉप इन टुमारो. हाउ आर यू प्लेस टुमारो, हमने देखा था कैन आई ड्रॉप इन टुमारो. हाउ आर यू प्लेस टुमारो, जिसका मतलब है क्या तुम कल फ्री हो, ये पूछने का एक्चुअली मतलब है. आप एक्चुअली इन सेंटेंसेस का एक्चुअल हिंदी में मतलब मत ढूंढो, मैंने उसका मिलता जुलता या नज़दीक का मतलब यहाँ पर लिख के रखा हुआ है. सो हाउ आर यू प्लेस टुमारो, मतलब हो सकता है कि मुझे किसी से मिलना है, ठीक है, मुझे किसी से मिलना है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तुम फ्री हो, क्या तुम्हारा कल का शेड्यूल क्या है. हाउ आर यू प्लेस्ड टुमारो, कैन वी हैव अ मीटिंग, या कैन वी डिस्कस द प्लान, हाउ आर यू प्लेस्ड टुमारो. तो वो कह सकता है आई एम फ्री इन द सेकेंड हाफ, मतलब दोपहर के बाद. ओके, हाउ आर यू प्लेस्ड टुमारो. नेक्स्ट है आई एम अ बिट टाइड अप, मतलब वो पहले वाले सेंटेंस का हाउ आर यू प्लेस्ड टुमारो सामने वाला जवाब देख सकता है आई एम अ बिट टाइड अप, मतलब मैं थोड़ा व्यस्त हूँ. और ये हम यूज करते हैं जब हम थोड़ा बिजी होते हैं, टाइड अप होता है हमारा शेड्यूल, तो हम कह सकते हैं आई एम अ बिट टाइड अप, आई एम अ बिट टाइड अप. ये जनरली जैसे टाइड अप है, टाइड अप से मतलब समझ लीजिए कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, राइट, तो आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब आपका काम है ये एक्चुअली एक फिगर्ड हुए है बात करने का. आई एम अ बिट टाइड अप, तो ये कहने के आई एम अ लिटिल बिजी, आई एम अ बिट टाइड अप. लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल, लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल, सामने वाले ने कहा कि आई एम अ बिट टाइड अप, पर मैं कह रहा हूं कि लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल, मतलब अगर आप उपलब्ध है तो मुझे बता देना, मुझे जानता हूं कि यू आर बिट टाइड अप. लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल, अगर आप फ्री हो तो मुझे बता देना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, हम कल मिल सकते हैं, ये इस फ्रेज का मतलब है. नेक्स्ट है देयर इज नो रूम फॉर डाउट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट. और आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बहुत बार बताया है कि हमारे इंग्लिश लेसन्स में देयर इज नो रूम फॉर डाउट, मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ये बेटर लेसन से, ये आपने बहुत बार मुझे कमेंट्स में बताया है. तो आप अभी कह सकते हो देयर इज नो रूम फॉर डाउट अबाउट योर इंग्लिश लेसन्स, राइट, इसका मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट. जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा है, देयर इज नो रूम फॉर डाउट, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट, लेट्स साइन इट, देयर इज नो रूम फॉर डाउट. नेक्स्ट है इट्स नॉट वर्थ इट, यह इसके या इतने के लायक नहीं है. इट्स नॉट वर्थ इट, जिसका मतलब है समथिंग इज ऑफ नो यूज, वो किसी काम का नहीं है, या इट इज नॉट वर्थ द प्राइस. समझ लीजिए आप मॉल में गए, आपने एक टी शर्ट देखी, टी शर्ट की प्राइस है 3,500 रुपये, आप क्या कह रहे हो
इट्स नॉट वर्थ इट. एक टी शर्ट देखकर लगता नहीं है इट्स वर्थ 3,000 रुपीज. 3,000 रुपए की लगती नहीं है, उसके लायक नहीं है. इट्स नॉट वर्थ इट. आप किसी इंसान के लिए भी कह सकते हो, लाइक शीला इज नॉट वर्थ राहुल. मतलब राहुल के वो लायक नहीं है. ये भी आप ऐसे भी इसे यूज कर सकते हो. इट्स नॉट वर्थ इट. आई होप दैट्स क्लियर. नेक्स्ट है देयर यू गो. इसका मतलब है ये लीजिए. जैसे आप अगर मैकडोनल्ड्स गए हो और आपका बर्गर आपने ऑर्डर किया, तो जो सामने से एग्जीक्यूटिव जो आता है आपका लेके, हियर यू गो. या फिर कह सकते हो देयर यू गो, मतलब ये लीजिए. ये इसका कहने का मतलब है, देयर यू गो. क्लियर? समझे? आपसे किसी ने नोट्स मांगे, राहुल क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकते हो? देयर यू गो. राइट? मतलब हियर्स एवरीथिंग यू आस्क्ड फॉर. ये जो हमने मांगा था यहां पर है. तो ये था देयर यू गो. क्योंकि आप इस लेसन तक यहां तक बने हो, तो मेरे लिए आपके पास एक और बोनस फ्रेज है, 51 नंबर, और वो है आई विल बज यू सून. जिसका मतलब है मैं तुम्हें जल्द ही कॉल करूंगा. आई विल बज यू सून. ये एक स्लैंग तरीका है कहने का कि मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा. जनरली बज का क्या मतलब है? जब फोन वाइब्रेट होता है तो कैसे होता है, आवाज आती है ना, उसे कहते हैं बजिंग. राइट? सो आई विल बज यू सून मतलब आई विल कॉन्टैक्ट यू सून. क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के 25 मोर फ्रेजेस, सर्वाइवल फ्रेजेस. मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा. इवन आई विल बज यू सून विथ वन मोर इंग्लिश लेसन. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश. हाँ, और जाने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. मैं जल्द मिलूंगा आपको. तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.